चौकीदार 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 तेरा बाप चोर है। राफेल राफेल करते करते बोफोर्स गले पड़ गया। अब कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी सारी हदें पार करके कांग्रेस के एक्स पीएम राजीव गांधी को गाली दे रहे हैं। पर ये क्या हो रहा है भाई? ये टाइगर श्रॉफ फ्लाइंग जेट की ड्रेस छोड़ के साड़ी पहन के इन बच्चों को क्या सिखा रहा है भाई? अबे ये मिसेस वाड़ रहा है। अरे हाँ, जमीन चोर। टाइगर की इस हरकत पर जैकी दादा भी गुस्से में हैं। माँ की आँख। दोस्तों याद है पिछली बार मोदी जी पाकिस्तान गए थे तो उनको शॉल देकर आए थे, पर इस बार उन्होंने पाकिस्तान को इससे भी बड़ी खतरनाक चीज दी है, पता है क्या? तुम्हारे आतंकवादी सबको खत्म कर नष्ट नाबूद कर दिया तुम्हारे लोगों को, बहुत खुशी हुई है एंड वी आर वेरी हैप्पी थैंक्स टू मोदी जी। माँ की आँख। यार इलेक्शन और पॉलिटिक्स के चक्कर में तो हम लोगों ने सीबीएसई को पूरे तरीके से अंडर एस्टिमेट कर दिया है। हम तो भूल ही गए कि 10th और 12th के रिजल्ट भी आ चुके हैं। यार लेकिन इंडिया में ये बात समझ ही नहीं आती कि लोग रिजल्ट को इतना हाइप क्यों देते हैं, सिर्फ पास या फेल की ही तो बात होती है। लेकिन नहीं, इन्हें तो रिजल्ट तो जीवन और मृत्यु की तरह लगती है। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। और ये मीडिया वाले साले दूसरा सारा काम धाम छोड़कर रिजल्ट में भी अपनी नाक घुसा देते हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम में टॉपर्स बनते हैं उनको ये मीडिया वाले एक दिन का सेलिब्रिटी बना देते हैं और उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। आपने ऐसे एक्सपेक्ट किया था 499? और यार क्या सवाल हुआ, मेरे लिए तो इतना मार्क्स लाना था ना उसके चुटकी जितना आसान था। एक नंबर कट गया इंग्लिश में, शायद 99 आए आपके, अभी ऐसा लग रहा है कि एक नंबर और। अरे यार आपको सिर्फ एक मार्क की पड़ी है, मैंने तो 2000 मार्क एक्सपेक्ट किए थे और मिले क्या 499, ये भी कोई मार्क्स हुए? ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे जियो नंबर में 499 का रिचार्ज करवाया है। जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर एक दिन के सीएम होते हैं, वैसे ही ये टॉपर स्टूडेंट्स भी एक दिन के सेलिब्रिटी होते हैं। लेकिन इस एक दिन में इनका इंटरव्यू हर घर देखा जाता है और इसी की वजह से मेरे जैसे स्टूडेंट्स की तो बैंड बज जाती है। इन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू देख के हमारे पेरेंट्स हमसे भी कहते हैं कि बेटा तुम भी अगले साल टॉप मार देना एग्जाम में, लेकिन इन पेरेंट्स को कौन समझाएगा? आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। रिजल्ट का टेंशन हमसे ज्यादा तो भगवान को होता है, क्योंकि रिजल्ट के दिन हर एक स्टूडेंट भगवान को याद कर रहा होता है। जो स्टूडेंट साला कभी मंदिर नहीं गया हो वो स्टूडेंट रिजल्ट के दिन सुबह सुबह उठ के एक नारियल दो अगरबत्ती लेकर मंदिर पहुंच जाता है। चाहे हमने एग्जाम के टाइम पे पेपर में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, पर भगवान से हम फुल कॉन्फिडेंस में बोलेंगे, मन्नत मांगेंगे, प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोड़ूंगा, नाग देवता मेरा फिजिक्स बचा लेना, रोज एक लीटर दूध भिजवाऊंगा, हे गौ माता बस बस पासिंग मार्क्स दिला देना। भगवान मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा, बस रिजल्ट संभाल लेना। भगवान भगवान मैं 100 रुपया पर मन चढ़ाऊंगा, भगवान पक्का, भगवान प्रॉमिस। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आपको पता चल जाता है कि आप फेल हो चुके हैं। आप बिना डरे अपने पेरेंट्स को फेस करने चले जाते हैं, यही सोच के ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, नहीं बताइए क्या कर लेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन फेल होने के बाद भी जब हमारे पेरेंट्स हमसे बोलते हैं कि बेटा टेंशन मत ले अगले साल पास हो जाएगा, तब हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, 100 बार मर के भी जन्म ले लूं ना फिर भी आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकूंगा। अरे माँ तूने मुझे कितना प्यार दिया रे, तूने मुझे कितना प्यार दिया। गुस्सा तो साला तब भी आता है जब हमारे ग्रुप में सब फेल हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप का एक लड़का ऐसा होता है जो पास हो जाता है। सिर्फ पास नहीं होता, 70% मार्क्स से पास होता है। फिर हाल देखिए कुछ उसका ऐसा होता है। सुल्तान अबे रुक, ए सुल्तान, ए ए ए क्या कर रहा है अबे, क्या अबे लगता है भाई। हद तो साला तब होती है जब एग्जाम में फेल हो जाते हैं और हमारा भाई उसी एग्जाम में टॉप मारता है, तब दिल से एक ही डायलॉग निकलता है, कभी कभी ये रिश्ते ही दम घुट देते। गलती से भी हम फेल हो गए और हमारा रिजल्ट पापा को दिख गया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, इधर इधर, अरे
अभी से चल देख आराम से देख आराम से देख आराम से देख आराम से देख। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अपनी सिचुएशन के साथ मैच कर पा रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और राइट में जो घंटा है उसे जरूर दबा देना। थैंक यू।